Hello children, all of you are most welcome in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start chapter 4, The Western Desert. So children, come with me to know more about Western Desert. Rajasthan ke bare mein, जो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट यानी कि जो पश्चिम की तरफ रेगिस्तानी इलाका है, आज हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में जो शुरुआत में है वो क्या है। टिक व्हाट यू फाइंड इन डेजर्ट, यहाँ पे आपको टिक लगाना है उन पर जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो आप देखिए डेजर्ट में क्या पाए जाते हैं, कैमल पाया जाता है इसलिए यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। डक नहीं पाया जाता तो हम क्रॉस लगा देंगे। क्रिसमस ट्री भी नहीं पाया जाता तो हम क्रॉस लगा देंगे। और यहाँ देखिए आप कैक्टस है तो कैक्टस यानी कटीले पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं रेगिस्तान में, तो कैक्टस वहाँ पाया जाता है तो यहाँ हम टिक लगा देंगे। चलिए हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाएं। द लैंड टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स इन राजस्थान इज रॉकी एंड सैंडी। दिस इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। Each stretches from the Ran of Kutch in Gujarat through Rajasthan to the border of Haryana. See map 4.1. यहाँ देखिए 4.1 जो यहाँ मैप है पहले आप उसमें देख लीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ से ये पूरा फैला हुआ है और अरावली हिल्स देखिए यहाँ पे ये कच्छ है, थार डेजर्ट जो जहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा जो इलाका है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये पूरा ही इलाका थार डेजर्ट यानी वेस्टर्न डेजर्ट है। चलिए हम पढ़ेंगे अब इनके बारे में। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे जो पढ़ा आइए मैं उसको समझाती हूँ आपको। राजस्थान में अरावली हिल का जो पश्चिमी भाग है काफ़ी रेतीला और पथरीला है, यही है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसे हम थार मरुस्थल या थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह गुजरात में कच्छ के रान से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है जो कि मैंने भी आपको दिखाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब द लैंड, यहाँ के जो लैंड हैं वो कैसे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द थार डेजर्ट इज कवर्ड विथ अ थीक शीट ऑफ लूज सैंड। लूज सैंड क्या होते हैं, बहुत ही बारीक रेत, बहुत ही महीन जिसको हम कहते हैं महीन रेत है यहाँ पे। एट सम प्लेसेस देर आर स्मॉल हिल ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। समटाइम स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लो हेयर कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद दैम, दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स। There are very few streams in the Thar Desert. They mostly remain dry. Luni is the most important river. At some places, oases are found. Oases, अभी बताऊँगी मैं आपको oases क्या होता है और आपको oases दिखाऊँगी भी कि ये कैसा दिखता है। The land around the oases is fertile. People grow crops here. There's most villages are situated around an oasis. देखिए ये है ओआसिस, इसको हम मरुद्यान कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। हम पहले देखते हैं कि यहाँ की जो लैंड है वो कैसी है। तो थार मरुस्थल बहुत ही बारीक रेत की मोटी परत से ढका हुआ है, कहीं कहीं रेत के छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह का टीला नज़र आता है। ये इसी संरचना को हम सैंड ड्यून्स या रेत का टीला या रेत का टिम्बा भी कहते हैं। रेगिस्तान में कभी कभी आंधी की बहुत तेज़ हवाएं या आंधी की तरह बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि अपने साथ बहुत सारी धूल को उड़ाकर ले जाती हैं, है ना। तो क्या हो जाता है जब वो धूल को उड़ाकर ले जाती हैं तो जो ये सैंड ड्यून्स बने होते हैं ये भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये रेत उड़कर हवा की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। और जहाँ इन्हें कोई रॉकी जगह या कोई पेड़ पौधे दिखते हैं वहाँ से ये टकराकर रुक जाते हैं और वहीं पर फिर सैंड ड्यून्स दूसरे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो तेज़ हवाओं के कारण जो ये रेत का टीला है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। आगे देखिए देर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में जो जल के स्रोत हैं वो बहुत ही कम हैं।
दे मोस्टली रिमेन्स ड्राई, ये लगभग कैसे हैं, ये लगभग सूखे रहते हैं। लूनी यहाँ की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है। रेगिस्तान में कहीं कहीं देखिए यहाँ पे जो ये मरुद्यान है, ये इसे ही हम कहते हैं ओवासिस। यहाँ क्या होता है, ये तालाब की तरह की संरचना होती है जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या कुछ हरियाली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह जो दिखने वाले जो जल स्रोत हैं इसे मरुद्यान कहते हैं, और इसके आसपास की जो भूमि है वो इसी पानी के कारण थोड़ी उपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण लोग यहाँ कुछ फसलें भी उगा लेते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर गांव इसी ओआसिस या मरुद्यान के आसपास बसे होते हैं या देखने को मिलते हैं। आप ये देखिए, ओआसिस इसे ही कहते हैं, ये तालाब की तरह की ही संरचना होती है और गांव मोस्टली यहीं पर आसपास बसते होते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को हर काम के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, खेती के लिए, घर के कामों के लिए, पीने के लिए। तो वो इनको इसी मरुद्यान से, इसी ओआसिस से मिल जाता है, और यही कारण है कि इसी के आसपास गांव बसे होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी है। द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, देर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। इन समर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल। इन विंटर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। जो यहाँ की जलवायु है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थार डेजर्ट की जलवायु सालों भर गर्म और सूखी रहती हैं। यहाँ बहुत कम या लगभग ना के बराबर ही बारिश होती है। गर्मियों में क्या होता है, यहाँ दिन काफ़ी गर्म हो जाते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं। जबकि सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में दिन थोड़े से गर्माहट वाली हो जाती है, वार्म हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन के समय जब सूर्य निकलता है तो रेत थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ दिन का समय थोड़ा वार्म हो जाता है, लेकिन रातें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं रेत बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और इसलिए सर्दियों में यहाँ रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स दैट मोस्टली स्कैटर्ड बुशेस एंड थ्रोनी शर्ब्स ग्रो हेयर। द खेजरी, कीकर एंड बबुल ट्रीज ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट। एनिमल्स सच एज कैमल, ब्लैक बक्स, चिंकारास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन दिस रीजन। द कैमल इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल, कैन यू टेल व्हाई? तो यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ अब यहाँ का जो क्लाइमेट है ये हॉट और ड्राई होने के कारण क्या होता है कि मोस्टली जो यहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले और झाड़ीदार पौधे ही यहाँ पर उग पाते हैं या देखने को मिलते हैं। थार डेजर्ट के पूर्वी भाग में खेचरी, कीकर और बबूल जैसे कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं। इस रेगिस्तान में ऊँट, काला हिरन, ऊँट के साथ साथ काला हिरन और चिंकारा भी एक तरह का हिरन की तरह का ही प्रजाति होता है, वो भी हिरन की तरह का ही होता है, और उसके साथ ही गोंडा वर्ण या जिसे हम सोहन चिड़िया कहते हैं वो भी एक प्रकार के बहुत ही बड़ा चिड़िया होता है ये, और ये भी बहुत उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी चिड़िया है। इसे हम सोहन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसी रीजन में, इसी रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊँट यहाँ का एक बहुत ही उपयोगी जानवर है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊँट का जो शरीर है वो रेगिस्तान में रहने के अनुकूल होता है। हम सबको पता है कि रेगिस्तान में पानी बहुत ही कम है और ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। इसके अलावा इसके पैर क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जो कि इसे रेत में चलने में सहायक होते हैं। इसके पाँव गद्दीदार होने की वजह से रेत में धंसते नहीं हैं और ये रेतीली भूमि पर आराम से चल सकता है। अब हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई के बारे में। देर इज़ ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर, यहाँ बहुत ही ज़्यादा, देर इज़ वेरी लिटिल वाटर, यानी कि यहाँ पे पानी बहुत ही कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि यहाँ रेनफॉल ना के बराबर होता है, जिससे यहाँ के लोगों को पानी के भारी कमी को झेलना पड़ता है। विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर, यहाँ की जो महिलाएँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी के लिए, पानी लेकर वो बहुत दूर से आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड एरीगेशन। वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज़ बीन बाउड टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल।
Farmers can thus grow wheat, mustard and cotton. तो यहाँ की महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी की समस्या को हल करने के लिए, बहुत दूर दूर से पानी भरकर लाती हैं जिससे उनका घर का काम चलता है। यहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी क्या करती है, लोगों के घरेलू उपयोग व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। सतलुज नदी का पानी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इस रेगिस्तान तक पहुँचाया जाता है। इसी नहर के कारण यहाँ के जो किसान है वो कुछ फसलें उगा पाते हैं, जैसे कि गेहूं, सरसों और कपास आदि। ये देखिए आपको सैंड ड्यून्स यहाँ पे दिखेंगे, यही है वो सैंड ड्यून्स जिनके बारे में हमने ऊपर बात की थी कि छोटे छोटे जो रेत के टीले हैं वो बन जाते हैं हवाओं के, तेज हवाओं के कारण बहुत सारी रेत इकट्ठी हो जाती हैं और एक जगह देखिए कुछ झाड़ियों से टकरा कर यहां, जैसे यहां पे रोक लग गया रेत के आगे बढ़ने पर, तो क्या हुआ यहां टिंबा के रूप में या रेतीले छोटी छोटी सैंड ड्यून्स के रूप में यहाँ पर संरचनाएं बन जाती हैं। देखिए इसे ही हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। चलिए हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारा है चेक पॉइंट। तो हम इस चेक पॉइंट को पूरा करेंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द थार डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश। नो, हिमाचल प्रदेश में नहीं है ना थार डेजर्ट, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, तो इसे हम एफ लगा देंगे। नेक्स्ट है द लूनी रिवर फ्लो थ्रू द डेजर्ट। लूनी रिवर डेजर्ट में बहते हैं, बहती हैं, तो ये है ट्रू, तो हम टी लगा देंगे। द रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है या बहुत कम वर्षा होता है यहाँ पे, तो ये ट्रू है, तो हम लगा देंगे ट्रू। द जवाहरलाल नेहरू कैनाल इज इन राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू कैनाल है यहाँ पे, नो इट्स इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसके लिए भी हम फॉल्स लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा चेक पॉइंट पूरा हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अब आइए अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में। पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल। सम ऑफ देम आर फार्मर्स, दे ग्रो बाजरा, ज्वार, मेज, सिसमी एंड ग्राउंडनट। सम पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल्स। सच पीपल आर कॉल्ड बंजारास। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज दस वेरी हार्ड। ऑक्यूपेशन यानी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यहाँ के लोग मुख्यतः क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, वे भेड़ पालते हैं, बकरी, ऊँट और इसी तरह के घरेलू जानवरों को पालते हैं। सम ऑफ देम आर फार्मर्स, इनमें से जो मुख्यतः जो यहाँ जो ये लोग पशु पालते हैं वो फार्मर्स यानी कि ऐसे पशु होते हैं जो कि इनके फार्म में, इनके खेत में इनकी मदद कर सकें। दे ग्रो बाजरा, ज्वार, मेज, सिसमी एंड ग्राउंडनट। ये लोग खेती करके क्या क्या उगा लेते हैं, ये लोग ज्वार, बाजरा, मेज, तिल, तिल आप समझते होंगे, जो तिल के लड्डू आप खाते हो उसे हम सेसमी भी कहते हैं, तो तिल उगा लेते हैं, साथ ही मूँगफली भी उगा लेते हैं। सम पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल्स। यहाँ कुछ लोग ट्रैवल करते रहते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते अपना जीवन यापन करते हैं, वे अपने और अपने पशुओं के लिए भोजन इसी तरह से इकट्ठा करते हैं। इन लोगों को बंजारा कहा जाता है। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज दस वेरी हार्ड। यहाँ की जो जिंदगी है, यहाँ का जो लाइफ है वो बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है। आइए हम पढ़ेंगे यहाँ के हाउस के बारे में। मोस्टली हाउस हैव फ्लैट रूफ एंड अ फ्यू स्मॉल विंडोज। द वॉल आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल। सम हाउसेस हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर, सच टैंक्स आर कॉल्ड टैंकर्स। यहाँ के जो घर होते हैं वो लगभग फ्लैट रूफ वाले होते हैं यानी सपाट छत वाले होते हैं और उनमें बहुत छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं। यहाँ जो घर बनाए जाते हैं उनके दीवार काफ़ी मोटे बनाए जाते हैं, वो इसलिए ताकि घर को गर्मी से बचाया जा सके और घर थोड़ा ठंडा रह सके। जब दीवारें मोटी होती हैं तो वो हीट को कम एब्जॉर्ब करती हैं और जिसकी वजह से घर थोड़ा सा ठंडा
रहता है। सम हाउस हैव अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर रेन वाटर। कुछ घरें ऐसी भी बनाई होते हैं जहां पर कि ये लोग रेन वाटर को अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट करके रखते हैं और ये अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं जिन्हें कि टंकास के नाम से जाना जाता है। लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। वुमेन इन विलेज वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। यहाँ की महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी पहनना पसंद करती हैं। मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन। यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। पीपल लव टू ईट दाल बाटी चूरमा। यहाँ के लोग दाल बाटी चूरमा खाना बहुत पसंद करते हैं। दे सेलिब्रेट गणगौर एंड तीज। यहाँ के लोग गणगौर और तीज नामक त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घूमर एंड कालबेलिया आर पॉपुलर फोक डांस। यहाँ के लोगों का मुख्य लोक नृत्य घूमर और कालबेलिया है। देखिए यहाँ के लोगों का जो पहनावा है, औरतें यहाँ पे घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। यहाँ के जो पुरुष होते हैं धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। यहाँ लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं। यहाँ की घूमर और जो कालबेलिया है वो नृत्य सभी लोग जानते हैं। यहाँ की जो मेजर सिटीज़ है अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर सिटीज़ है यहाँ की जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़। यहाँ के बहुत बड़े बड़े शहर हैं ये। जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पॉटरी। यहाँ ये जो जयपुर है ये अपने ब्लू पॉटरी यानी नीले बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट From all over the world visit Rajasthan every year. प्रतिवर्ष यहाँ पर वर्ल्ड के लगभग हर कोने से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आइए हम देखेंगे अब। ये देखिए क्या है, ये है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर का किला है, also known as the Golden Fort. It is major tourist attraction. ये टूरिस्टों का यानी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है जैसलमेर का, और इसको हम जैसलमेर फोर्ट के नाम से जानते हैं। आप देखिए, आप कभी राजस्थान जाएंगे तो ज़रूर घूमें। ये सब जगह बहुत अच्छी हैं और बहुत ही आकर्षक हैं, तभी तो पर्यटक इतने संसार के हर कोने से लोग यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं। राजस्थान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं। आप कभी राजस्थान जाएँ तो वहाँ की सारी चीज़ें सभी जगह घूम कर आएँ। चलिए इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम जानेंगे। हमने पढ़ा था रान ऑफ कच्छ, इसके बारे में। अ पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट दैट गेट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन बट लीव्स बिहाइंड सॉल्ट व्हेन द वाटर ड्राइज अप ड्यूरिंग विंटर देयर बाय फॉर्मिंग साल्ट डेजर्ट। जो कच्छ का जो रान है वो क्या है, वो भी थार डेजर्ट का एक पार्ट है जो कि आपने पढ़ा अभी। वो क्या हो जाता है, मॉनसून के समय वहाँ पर बाढ़ आ जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो अपने पीछे, जब ये सर्दियों में जब ये पानी यहाँ बाढ़ का पानी जो सूखता है तब क्या हो जाता है, वहाँ पीछे नमक रह जाता है, यानी पीछे वो नमक छोड़ जाता है। इसके बाद है पिंक सिटी। द सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑल बिल्डिंग्स इन द ओल्ड सिटी आर बिल्ट ऑफ पिंक स्टोन्स। पिंक सिटी जयपुर का नाम है, वो इसलिए उसका नाम पिंक सिटी पड़ गया क्योंकि वहाँ के जितने भी घर हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ के, वो सभी पिंक स्टोन्स के बने हुए थे। इसीलिए जो पुराना जो जयपुर है जहाँ की पिंक स्टोन्स के बने हुए बिल्डिंग्स हैं, इन्हीं कारण से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम पढ़ लेंगे यहाँ पे क्विक रिकैप की। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था द थार डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। नंबर टू, द रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई। देयर इज नॉट मच वाटर अवेलेबल, पीपल स्टोर वाटर इन टंकास। यहाँ लोग टंकास में पानी स्टोर करके रखते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पीपल रियर एनिमल एंड डू फार्मिंग। यहाँ के लोग एनिमल्स को पालते हैं यानी कि जानवरों को पालते हैं और उसी से खेती का काम भी करते हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़ इन राजस्थान। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर यहाँ के बड़े और प्रमुख शहर हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है एक बार में, आप दोबारा इसे एक बार देखिए।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू बच्चों, एंड बाय।